स्वराज ले लो, जॉनडियर ले लो, जी जी, ये 7 करीब चली जाती है रोटावेटर में। हाँ हाँ। और नॉर्मल कल्टीवेटर में 4.5 जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, सेम रेंज की गाड़ी है, सेम हॉर्स पावर, सेम रेंज की है, सेम एचपी में आती है, लेकिन फ्यूल कंजप्शन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है। कैसी कीमत के अंदर आपने ये ट्रैक्टर लिया हुआ है? इसकी कीमत तो एक्चुअल मतलब डीलर अलग अलग, मैंने काफ़ी जगह पे बात की जी, कोई 8,70,000, कोई 8,40,000, मतलब 50,000 या 8,000 ऐसा करके जी जी 9,00,000 तक बोला। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब, वेलकम बैक टू न्यू अनदर ब्लॉग। और दोस्तों आज की फिर एक न्यू फ्रेश वीडियो में हम आए हुए हैं मारेवा ट्रैक्टर एजेंसी, जो कि महिंद्रा के सब डीलर हैं सिहोड़ा के अंदर। और यहाँ पर आप देख रहे हैं महिंद्रा का 575 DI 4-व्हील ड्राइव के साथ में आने वाला जो है ये ट्रैक्टर की जो है आज डिलीवरी हो रही है। और इस ट्रैक्टर की डिलीवरी ऑलमोस्ट कहना चाहिए हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में जो है हम जिस किसान भाई ने इस ट्रैक्टर को लिया है उनसे हम इसका ओनरशिप रिव्यू जानेंगे कि इस सेगमेंट के अंदर इनके पास और भी ज़्यादा ऑप्शन थे इस बजट रेंज के अंदर, तो आखिर उन्होंने महिंद्रा का 575 DI 4-व्हील ड्राइव ही क्यों लिया ये भी जानेंगे। साथ में उन्होंने क्या कैसी कीमत के अंदर जो है ये ट्रैक्टर लिया हो ये सारी चीज़ें भी जानने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको मैं दिखा दूं, यहाँ देख सकते हैं हैवी ड्यूटी कंपनी फिटेड, इसमें आपको जो है कंपनी से फ्रंट बम्पर मिल जाता है। और क्या क्या चीज़ें मिलती है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप टूल किट देख लीजिए, इसमें पीछे की तरफ भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं डावर पट्टी फंस गई है, डावर पट्टी और टापलिंग भी फंस गई है। साथ में गाड़ी जो है पूरी तरीके से रेडी हो गई है। ये जो ट्रैक्टर है 2979 CC 47 हॉर्स पावर 4 सिलेंडर के साथ में आता है। तो बुला लेते हैं किसान भाई भैया, क्या नाम लिखते हैं आप? प्रभात कुमार तिवारी। अच्छा, कहाँ से हैं वैसे आप? ये बोहरीबंद लगता है हमारा जी, पास में ही है यहाँ, भकरवारा से। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ आपने महिंद्रा का 575 4-व्हील ड्राइव लिया हुआ है, तो इसके पहले क्या आप मतलब कोई और ट्रैक्टर यूज़ करते थे कि ये आपका फर्स्ट ट्रैक्टर है? नहीं, मेरा पर्सनल फर्स्ट ट्रैक्टर है, पर मेरे घर में और भी ट्रैक्टर हैं। चाचा जी के पास फार्म ट्रैक है 41 HP जी जी, और मामा जी के पास 2 ट्रैक्टर हैं जी जी, वो भी मैंने चलाए हुए हैं, वो न्यू हॉलैंड हैं। अच्छा, एक 35 HP एक 39 HP है। अच्छा, बट थोड़ा सा वो ट्रैक्टर भी डीजल फेवर हैं जी जी, पर उनकी सर्विस थोड़ा सा दिक्कत करती, क्या आपने यहाँ से जबलपुर दूर है, हाँ हाँ, पास में कोई एजेंसी ना होने के कारण जी दिक्कत जाती है। हाँ, यहाँ से क्योंकि 30 से ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर पड़ जाता है, मेरे गांव से 70 किलोमीटर है जबलपुर। अरे, थोड़ा सा भी कोई फॉल्ट आता है तो 70 किलोमीटर जाना पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है, बहुत ज़्यादा दूर है। प्लस उसकी मतलब वो महंगा भी था जी, मतलब फर्स्ट पसंद मेरी वही थी न्यू हॉलैंड जी जी, पर वो महंगा भी है। हाँ हाँ, डीजल में दोनों में सेम खपत थी। अच्छा, और ये लोकलिटी के कारण, लोकल ट्रैक्टर है, यहीं का है, पास का है, सिहोरा का है, सिहोरा यहाँ से 25 किलो, मेरे गांव से 25 किलोमीटर है। अच्छा, नहीं जैसे तो, महिंद्रा ही है और भी ट्रैक्टर कंपनियां हैं अपने सिहोरा में, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। हाँ है, तो अपन के मतलब ऐसा कुछ मुख्य रीज़न रहा हो कि अपन ने महिंद्रा का ट्रैक्टर चुना, तो इसका कुछ मुख्य रीज़न रहा हो या कुछ? मुख्य रीज़न यही कि डीजल फेवर है जी जी, इसका सूखी मिट्टी पे और हल्की नमी वाली पलौनी वाली मिट्टी पे 3 करीब का एवरेज देता है जुताई में, लीटर घंटे में, घंटे पे कल्टीवेटर एक घंटे पे 3 से 3.5 लीटर। बहुत सही, अपन इस पे रोटर वेटर भी चलाएंगे, कंपनी बोल के देती है कि 4 से 4.25 देगी। हाँ हाँ। मैं बोल रहा रोटर वेटर में अगर 5 लीटर भी खाएगी गाड़ी तो कोई गलत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ताकत लगती है हिसाब से, ताकत लगती है जी। और अदर गाड़ियां जो हैं, स्वराज ले लो, जॉनडियर ले लो, जी जी, ये 7 करीब चली जाती है रोटावेटर में। हाँ हाँ। और नॉर्मल कल्टीवेटर में 4.5 जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सेम रेंज की गाड़ी है, सेम हॉर्स पावर, सेम रेंज की है, सेम एचपी में आती है, लेकिन फ्यूल कंजप्शन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है। और पैसे का तो आदमी थोड़ा बहुत देख लेता है, थोड़ा 50,000 ऊपर या नीचे, 5,000 या 10,000 बार की बात हो तो बिल्कुल, वो एक बार देना है जी, बट जो अपना लाइफ टाइम का मैटर है, डीजल में अपन को एक साल में अगर कहीं पे भी 10,000 रुपये बच रहे हैं साल में। हाँ हाँ, तो बहुत ज़्यादा सही है गाड़ी, बहुत सही, क्योंकि किसान के लिए तो मतलब 1 लीटर 2 लीटर की भी बचत यदि घंटे में हो रही तो उससे अच्छा उसके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वो अदर ट्रैक्टरों की अपेक्षा इसमें मुझे लगभग 1500 रुपये का पर डे डीजल की फेवर होगी जी जी, एक दिन में 1500 रुपये का, और एक महीने का सीजन रहता है। अच्छा, इसके पहले आपने कभी कोई सी महिंद्रा की गाड़ी चलाई है ना? चाचा जी के पास था 55 HP। अच्छा, हाँ, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम के चलते वो गाड़ी निकालनी पड़ी है। पावर परफॉर्मेंस की यदि अपन बात करेंगे महिंद्रा नहीं था वो चीज, जो छोटी गाड़ियों में, महिंद्रा की ज़्यादा बड़ी गाड़ियाँ सक्सेस नहीं है जी जी, 50 HP तक महिंद्रा की गाड़ियाँ हैं जो जी जी, मुझे उनका जितना अनुभव है, मैं ये नहीं बोलता कि नहीं होंगी सक्सेस या कुछ भी। हाँ हाँ। हो सकती हैं, मेरा अपना जो ओपिनियन है जी, 50 HP तक महिंद्रा बढ़िया है, बेस्ट गाड़ी, मतलब बेस्ट गाड़ी महिंद्रा करता है, चाहे माइलेज की बात कर लें, चाहे ताकत, चाहे मेंटेनेंस की बात कर लें, है ना। हाँ। और खिंचाई वगैरह भी यदि अपन दमम की बात कर लें तो सारी चीज़ें, बहुत अच्छी गाड़ी है। अच्छा, और जैसे अभी आप इसमें क्या क्या चीज़ें चलाने वाले हैं?
इसमें तो मैं सबसे पहले तो रोटर वेटर चलाऊंगा। हाँ हाँ। कंपनी इसमें 7.5 फीट का रोटर वेटर बोल के दे रही है, पर मुझे गाड़ी हमेशा के लिए चलाना है। हाँ हाँ। ये नहीं कि 2 साल में गाड़ी चला के मैं इसे बर्बाद कर दूँ। जी जी। तो मैं इसमें 6.5 फीट का रोटर वेटर चलाऊंगा क्योंकि लाइफ टाइम चलाना है मुझे। हाँ, उसमें गाड़ी में ज्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा और अपन को लाइफ टाइम मतलब बिना गाड़ी भी चलेगी। तो 6.5 फीट का रोटर वेटर जी। और नेक्स्ट सीजन गर्मी में मैं इसमें कंप्यूटर मांझा चलाने वाला हूँ। अच्छा, इसी के चलते मैंने 4 व्हील ली है। नहीं तो कंप्यूटर मांझा के लिए इसमें खिंचाई अच्छी मिलती है 4 व्हील में। हाँ हाँ, इसी गाड़ी धसने का डर नहीं रहता कहीं भी, कोई भी देखता दबती नहीं है और दबती नहीं है, अगले पहिए भी गाड़ी को खींचते हैं तो टेंशन नहीं। इसलिए मैंने 4 व्हील गाड़ी ली थी जी। और कुछ आप महिंद्रा के बारे में बोलना चाहेंगे? महिंद्रा अच्छा है, उनका नेचर भी आप जानते हो। और यहाँ पर आपको डीलरशिप वगैरह का व्यवहार क्या कहता है? नहीं, इनका भी सब अच्छा रहा, सारी चीजें अच्छा है, वो फ्रेंडली है सभी जी, उनसे दिक्कत नहीं है, वो सभी के लिए अच्छे हैं जी। मेरे लिए तो ठीक है, पर सभी से अच्छा सभी के लिए व्यवहार। यहाँ का स्टाफ भी काफी अच्छा है जी। अच्छा, क्या क्या ऐसी कीमत के अंदर आपने ये ट्रैक्टर लिया हुआ है? इसकी कीमत तो एक्चुअल मतलब डीलर अलग अलग, मैंने काफ़ी जगह पे बात की जी, कोई 8,70,000, कोई 8,40,000, मतलब 50,000 या 8,000 ऐसा करके जी जी 9 लाख तक बोला लोगों ने जी। लास्ट टाइम मुझे 8,40,000 यहाँ भी थी जी, पर 8,30 का मुझे यहाँ नगद के अंदर जो है आप नगद के अंदर मिल गया 8,30 का बस। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों, देखा आपने, ये जो गाड़ी है इन किसान भाई को 8,30,000 रुपये नगद कीमत के अंदर पड़ी हुई है। दोस्तों, आशा करते हैं आज की ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जय जवान, जय किसान।